बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारावती में जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने सोचा तो पहाड़ पिघल गया, इतने बड़े बड़े अभी भी कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं और कैसे ऐसे चरण में कैसे बंसरी बजाते थे, सारे चीज एक दिखे कि आपको दर्शन करके मिलेगी। जो कथा सुने अब साक्षात वैसे मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने की, लेकिन जब गुरुदेव ने बोला है तो बोलने की भी शक्ति गुरुदेव देते हैं, तो इसीलिए जब गुरुदेव और कुछ भक्तों ने वैष्णवों ने बोला है, हम यहाँ पर आज व्यास पूजा का जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्यास पूजा क्या है कि जो गुरु तत्व हैं, जो गुरु हैं उनकी अपन को पूजा कर रहे हैं। जैसे हम अपने गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं, गुरुदेव अपने गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जैसे अभी माता जी बता रही थी कि जब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन किए गए तो सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए हैं बलदेव जी के, और बलदेव जी क्या हैं, गुरु तत्व। जब तक गुरु की कृपा नहीं है, वैष्णव की कृपा नहीं है, तब तक हम भगवान की कृपा नहीं हो सकते। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक भजन में, उसमें कहा है, गंगार परश हेले पशाते पवान दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो गंगा माता है, गंगा जी में जब अपन स्नान करने जाते हैं तो क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन वो जो पाप हैं वो कब धुल रहे हैं, जब गंगा में स्नान करेंगे। गंगा के सिर्फ दर्शन करके पाप नहीं धुलेंगे, जैसे कोई हरिद्वार जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो वो पाप, जब तक स्नान नहीं किया है तब तक वो पाप खत्म नहीं होंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो गुरु वर्ग हैं, जब उनके दर्शन मात्र कर लेते हैं तो जितने भी पाप हैं वो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हमारे जो गुरुदेव हैं सिरधर महाराज, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ब्रजमंडल की परिक्रमा में, जो पिछली बार 84 कोश की परिक्रमा थी तो उसमें मैं भी गया हुआ था, तो महाराज जी से उससे 2 दिन पहले ही, कोई बात मत कर गुजरी माताएं, उससे 2 दिन पहले ही सुंदर गोपाल प्रभु जी ने महाराज जी से मिलवाया था कि मेरे और मेरी जो पत्नी थी, लेकिन दूसरे दिन ही मुझे ध्यान है कि हम राम घाट गए हुए थे, दूसरे दिन वहां पर जब प्रसाद हो रहा था तो प्रसाद लेने के बाद महाराज जी को, कुछ भक्त थे जो प्रसाद लेकर के आए थे, तो हमको भी साइड में लेकर गए कि नहीं ये जो प्रसाद है इसमें आपके साथ में यहाँ पर बंगाली और वो बहुत हैं, और हम जयपुर से थे तो वो प्रसाद हमें इतना वो नहीं लगता है, तो खुद गुरुदेव खुद कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा हमारे साथ आइए और वो प्रसाद पाइए। तो वो जो प्रीति है कि गुरुदेव सिर्फ 1 दिन पहले ही हमारा वैसे परिचय हुआ था कि गुरुदेव जी के बारे में सुनाया किया है, लेकिन वो कभी मिले नहीं थे, 1 दिन पहले मिले, दूसरे दिन से ही गुरुदेव इतना ध्यान रख रहे थे कि जो महाराज जी उनके बारे में देखें, उसके बाद जयपुर भी गए तो जयपुर हर बार पूछ रहे हैं, फोन करके भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे प्रीचिंग कर रहे हो। इसीलिए जब तक जो गुरुवर्ग हैं, गुरु जी हैं, उनका यदि आश्रय, उनका यदि कृपा है तो हम सारे कष्टों से निवारण पा सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम अज्ञान तुम्हारा दोष ज्ञान हम जो लोग चला गया सच में तुम्हें है सच में ही इसकी हो रहे हैं। बोल से बंदा मन दिया इला लेकिन अरे जोर से जयकार लगाओ। हरे कृष्ण माइक का तेज बंदा हरि बोल। ब्रजी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की हरे कृष्ण। भाई खड़े मत हो, सब बैठ जाओ, अभी नहीं बाद में पूजा करेंगे आना, अभी सामने कोई बताओ हरे कृष्ण और 5 मिनट दे दो, एक बार हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
और देखो आज श्री व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा आप लोग इसको उपलक्ष्य करते हुए सब के सब आए हो, लेकिन आज का जो कथा है ये हल घर की जो व्यवस्था आज की जो प्रसाद हमारे गढ़ी के हमारे भक्त लोग यहाँ पर कहाँ है सबके साथ जिन लोगों ने व्यवस्था किया चाचा जी मनोज प्रभु विनोद प्रभु और सब भक्त लोग कहाँ हैं। हाँ खड़े हो जाओ यहाँ के जो जो भक्त लोग हैं और सब कहाँ हैं सब बाहर है। हाँ उनको बुला कर लिया जल्दी जल्दी बुला कर लिया कहते इन लोगों ने आप सभी के लिए हैं आप सभी के लिए बड़ा सुंदर गढ़ी के भक्त लोगों ने व्यवस्था किया और ये भक्त लोग साल में हरे कृष्णा विनोद कहाँ है सबके अब सबको बुला लो सब कहाँ है सब आ रहे हैं। हाँ सबको सब भक्तों के कर बुला सब भक्तों को बुला लो यही जानते हैं व्यास पूजा गुरु पूजा का थी
फूल की माला लेकर के जानी चाहिए, कुछ फल, कुछ प्रणामी, कोई कपड़ा लता लेकर के आज का दिन गुरु जी को पास में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये तो होनी चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ये प्रभुपाद कहते हैं गुरु पूजा का मतलब है गुरु जी का जो इच्छाओं को पूरी करना, यही असली गुरु पूजा है। क्या करनी चाहिए गुरु जी की, जो चाहते हैं गुरुदेव उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अभी गुरुदेव चाहते हैं क्या, बोले गुरु जी की दो इच्छाएं, कितना इच्छा है, दो इच्छा है गुरु जी की। बोले गुरु जी का पहला इच्छा क्या है, ये जगत में गुरु आते हैं क्यों, इसलिए कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गुरुवाचक का जो प्रथम श्लोक है वो कहते हैं, बोले संसार दलाबा हम संसार में सबके सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, हम दुखी दुखी हैं। एक जन्म नहीं, ये 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, दुखी दुखी। तो ये गुरुजी है कौन, बोले गुरुजी हुए हैं भगवान की कृपा। भगवान कौन है, ये हमारे पिता है, तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधुश्च सखा, तुम्हें भगवान हमारे पिता माता भाई बहन भगवान। अगर बच्चे अगर दुखी हो पिता सुखी होते हैं नहीं, बच्चों का दुखी देख करके पिता माता भी दुखी होते हैं। अगर बच्चे सुखी हो ना पिता माता भी सुखी है, मेरे बेटा बढ़िया है। उसी तरह हमारा पिता ठाकुर जी है, लेकिन हम संसार में दुखों को हटू जाए तो पिताजी को चैन नहीं सके, इसलिए भगवान की जो कृपा वही कृपा है, इसका इनको काम कर दो। भगवान की कृपा ही ये गुरु रूप धारण करते हुए जगत में आते हैं, क्यों हमें ये संसार से उद्धार करने के। इसलिए गुरु जी की पहला इच्छा है क्या करो, ये संसार से पार हो जाओ, ये संसार से पार हो जाओ हैं। इसलिए गुरु जी का पहला इच्छा भगवान की भक्ति करो। गुरु जी अपना स्वार्थ नहीं चाहते हैं, हमारी पूजा करो, हमें नाम करो, हमारे नहीं। गुरु जी का एक ही इच्छा है भगवान की भक्ति करते हुए तुम संसार से पार हो जाओ। इसलिए ध्रुव महाराज को जब नारद जी मंत्र दिए, जब ध्रुव महाराज जी रथ वैकुंठ से रथ आया, जब बैठ करके जा रहे थे, नारद जी इतने खुश हो रहे थे, बिना बजा बजा करके नाच रहे थे, बोले क्यों, अरे आज मेरी कृपा से एक जीव संसार से पार होकर के ठाकुर जी के पास में जा रहा है, आज मेरे जीवन धन्य हो गया, एक जीव संसार से मैंने मुक्त कर दिया एक जीव को, इसलिए एक जीव को मैंने संसार से पार कर दिया। इसलिए गुरु जी का पहला इच्छा है आप निष्कपट होकर के भक्ति करो, निष्कपट होकर क्या करो, भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करो, ये गुरु जी का पहला इच्छा। बोले दूसरी इच्छा क्या है, बोले महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी से आचे नगरा दिग्रा सत्व प्रचार हो तुम्हारा। महाप्रभु का एक इच्छा है संपूर्ण पृथ्वी में, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में भगवान की कीर्तन गूंज उठे, भगवान के नाम गूंज उठे, सबके सब्जी भगवान की भजन में लग जाए, सबके सब्जी ठाकुर जी की भक्ति में लग जाए, तब तो ठाकुर को पास में जाएंगे ना। इसलिए गुरु जी का पहला इच्छा है निष्कपट होकर शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो। दूसरी इच्छा है भगवान की जो भक्ति को जगत में प्रचार करो, जो जितना शुद्ध रूप में गुरु जी की भगवान की भजन करते हैं, प्रचार करते हैं, अगर ये दो काम अगर कोई करता है तो यही असली व्यास पूजा है। पहला क्या, और गुरुदेव हमें विशेष करके तीन चीज क्या ध्यान देकर सुना, ऐसे नहीं साल में एक बार आए गुरु जी को फूल प्रणाम देकर चले गए, नहीं। पहला नियम है गले से कभी कंठी नहीं उतरनी चाहिए, गले से कभी कंठी
नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जब हम गले में तुलसी की माला दिए, ये तुलसी माला कोई लकड़ी नहीं, ये संख्या माँ लक्ष्मी है। इसलिए हमारे बड़े गुरुदेव कहते थे, अगर किसी बाई चांस गले से जब गुरु जी की हाथों से कंठी माला लिया, अगर कहीं कंठी अगर टूट गई, फिर जब तक दो बार उसको पहने नहीं ले, पानी नहीं पियो, क्योंकि जो कुछ हम पीते हैं गले में अगर कंठी होना, वो टच करते हुए अंदर में जाता है, पवित्र बनकर जाता है। जब कोई बोली बोलते हैं वो पवित्र बनकर के निकलती है टच करते हुए, इसलिए गले से कभी कंठी नहीं उतरनी चाहिए। इसलिए जब महाराज कहते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करके पकड़ करके ले आ, बोले पता कैसे चलेगा, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। इसलिए जब पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते, और जिस घर में पट्टा नहीं वो फालतू कुत्ते हैं। इसलिए पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए कभी भी फालतू मत बना दो। देखो अगर गले में कंठी नहीं तुम्हारी, हठात तुम्हारी मृत्यु हो गई, देखो ध्यान देख लो, हम लोग सब भारतीय, देखना मरने का 13 दिन बाद में शुभ किया होता है, मरने का 13 दिन बाद में शुभ किया, क्यों कारण किया, बोले एक बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, उसको ऊपर में कोड़े मार मार के, भगवान खुद कहते हैं कपिल देव भगवान महा को कह रहे हैं, कोड़े मार मार करके उसको ये बैतरणी नदी पार कराते हैं। बोले किसको पार करना पड़ता है, बोले जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं, ये बैतरणी नदी उसको ही पार करना पड़ता है, जिसकी गले में कंठी वो कभी बैतरणी नदी पार नहीं करेगी। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे अगर गले से कंठी उतर ले गया, फिर उसको दो बार फोड़ो, उसी तुलसी कंठी को दो बार फो करके जब तक कंठी नहीं पहनते हो तब तक पानी मत पिया करो, गुरु जी कहते थे पानी नहीं पीनी चाहिए कंठी, उसको बाद में पानी, ठीक है। इसलिए कंठी नहीं उतरनी चाहिए, जब गुरु जी से कंठी लिए कंठी। दूसरी चीज तिलक, तिलक जरूर होनी चाहिए, जैसे सधवा स्त्रियां मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, मंगल सूत्र पहनती हो, है ये तो जगत का पति के लिए इतना धारण किया, जो असली पति जो परम पति उसके लिए क्या किए। इसलिए तिलक के लिए ये नहीं करना है जरूरत नहीं, तिलक क्या क्या जरूरत नहीं। अब कोई आप लोग हिंदू है आप पता होगा, घर में जब कोई पुजारी आता है जब तक तुम्हें ये तिलक नहीं लगाएगा तब तक पूजा नहीं करता। इसलिए कहते हैं वैष्णव का पहला धर्म है स्नान के बाद में सबसे पहले तिलक, सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या करो, तिलक तिलक। जब तक तिलक नहीं लगाओगे तब तक ठाकुर की कोई पूजा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कोई अधिकार नहीं पूजा में। इसलिए श्री महाप्रभु जब क्लास देते थे, महाप्रभु जब टीचर थे, ध्यान देकर सुनो, कोई एक छात्र था बगैर तिलक के आ गया, महाप्रभु निकाल दिया वहां से, बोले तुमने तिलक नहीं लगाया, तुमने आज गुरु मंत्र जप नहीं किया, जाओ तिलक लगाओ, गुरु मंत्र जप करके तेरे क्लास में आओ। तब प्रभुपाद कहते हैं भैया महाप्रभु ऐसे क्यों बोले, कारण क्या बोले, कारण है तिलक के बगैर तुम हरिनाम नहीं कर सकते हो, तिलक के बगैर ठाकुर को पूजा नहीं कर सकते, तिलक के बगैर आनिक नहीं कर सकते हो, नहीं तो जो आनिक तुम्हें वो फल प्रदान नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव ने जो तिलक दिया है ये तिलक नहीं रक्षा मंत्र है, तिलक नहीं ये क्या है रक्षा, जैसे कर्ण का शरीर में कवच होता था, जब तक कवच रहेगा उसको कोई नहीं मार सकते है, जब तक तिलक रहेगा कोई डाकिन साकिन भूत पिशाच कोई भी तुम्हारे पास में खड़े नहीं सकते हैं। हाँ देखो ये पद्म पुराण की कथा, ध्यान देखिए सुनो, ये पद्म पुराण में बताया अगर कोई व्यक्ति एक भगवान विष्णु की मंदिर स्थापन कर दे, भगवान विष्णु की मंदिर अगर कोई स्थापन कर दे एक मंदिर, उसको कितना लाभ है, जो 21 आगे की 21 पीढ़ी और जो पीछे जो 21 पीढ़ी उनको मुक्त होकर के भगवत लोक को चले जाते हैं, अगर कोई एक विष्णु मंदिर को कोई स्थापन करे, एक विष्णु मंदिर उसको 21 पीढ़ी कितना हो गया, 21 कितना हो गया 42, उसको 42 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। यदि जो तिलक है ये क्या चीज है, हरि मंदिर है ये तिलक, हरि मंदिर। हम कितने अंगों में कितने तिलक लगाते हैं, 12 तिलक, ये पद्म पुराण की कथा है, हम शरीर में 12 तिलक लगाते हैं,
बाहर तिलक नहीं, बाहर भगवान की विष्णु मंदिर को स्थापन करते हैं। बार बार भगवत मंदिर विष्णु मंदिर को स्थापन करते हैं। अब सब आप बताओ तुम्हारी कितने पीढ़ी उधार नहीं होगी, तुम्हारी कितने पीढ़ी उधार नहीं होगी। इतने महत्व तिलक, नहीं तो कृष्ण तिलक, कृष्ण तिलक, राम तिलक, नारायण, हनुमान तिलक के बगैर ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते, ठाकुर भी तिलक लगाते हैं कितने हैं। इसलिए दूसरी काम क्या, तिलक जरूर लगाना, ठीक है, तिलक जरूर लगानी, ऐसे नहीं फोटा लगा दिए, नहीं, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक ऐसे होनी चाहिए कि हरि मंदिर है जो हमें ऊपर ले जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या, गुरुदेव ने हमें माला दिया, क्या दिया, माला दिया है, इसलिए जब तक माला जप नहीं करें खाना नहीं खानी चाहिए, पहले भजन बाद में भोजन, कुछ माला करो। इसलिए गुरु जी कहते थे हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इधर देखो गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव ने ये माला दिए, गुरुदेव माला नहीं दिए, गुरुदेव कृष्ण दिए, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। और अंतिम समय में यही तुम्हारी साथ जाएगा, साथ में और कुछ भी जाने वाला नहीं, एक सुई धागा भी यहाँ से तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। अंतिम समय में प्रभु का नाम ही साथ में चलता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे गुरुदेव माला नहीं दिए, गुरुदेव भगवान कृष्ण दिए, गुरुदेव की वाणी है। अगर एक दिन हमारे माला जप नहीं किया, मतलब किया, आज भगवान भूखे रहे, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, एक दिन अगर हमने ये माला को जप नहीं किया तो। इसलिए क्या करनी चाहिए, ये माला कभी भूखा नहीं रहे, ये माला कभी भूखा नहीं रहे, मतलब रोज कुछ ना कुछ रोज माला जरूर करो, ठीक है ना, माला कभी भूखा मत रखो, कुछ माला करो, अगर नियम करके रख पाओगे तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, जब तक कोई लक्ष्यपति नहीं हो उसको घर में खाना नहीं खाते। लक्ष्यपति मतलब जो एक लाख नाम नहीं करते, भैया एक लाख नाम नहीं करते कोई बात नहीं है, कम से कम सोलमाला तो करो, सोलमाला कितना तो कम से कम कर लो है। इसलिए माला को कभी भूखा नहीं छोड़ो। इसलिए तीन चीज लेकर के जाओ, क्या तीन चीज लेकर जाओ, गले में कंठी जरूर रहे, तिलक जरूर लगाओ, और गुरु जी ने जो माला दिए ये माला कभी भूलो मत, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो आप लोगों को सब धन्यवाद है। और जो आज है फिर शाम को जैसे हम लोग यहाँ पर व्यास पूजा की नएगा सेक्टर 12 में, वहाँ पर भी आज शाम को वहाँ पर भी हम लोग व्यास पूजा करेंगे। आप लोग के इधर के भक्त लोग आ गए पर उधर भी कुछ भक्त लोग हैं, इसलिए शाम के लिए हम लोग ने उस तरफ में व्यवस्था की है। अभी गुरु जी की आरती होगी, गुरु जी की आरती दर्शन करते हुए और सबके सब प्रसाद लेकर के सबके सब अपना घर में जाना और भगवान की भक्ति करें, ठीक है। और जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते वो लोग वहाँ पर अपना नाम को लेकर जाना। इसलिए आप सबके सब खड़े हो जाए, सामने आ जाए।